डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टाइप टू केमिकल रिएक्शन, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं और यहाँ पर भी लिखा है कॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड डी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है, जब इसको हीट किया जाता है या फिर इसको लाइट की प्रेजेंस दी जाती है या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, देखिए जस्ट अपोजिट यहाँ हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स होते तो एक सिंगल प्रोडक्ट होता था, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक ही रिएक्टेंट होता है, देयर इज अ सिंगल रिएक्टेंट एंड यू विल हैव मोर देन टू प्रोडक्ट, राइट। सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट हैव अ लुक। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस ओनली, एक सिंगल सब्सटेंस होगा जो कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस तरह की रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन कितनी तरह से हो सकती है, ये रिएक्शन को हम क्लासिफाई थ्री टाइप्स में कर सकते हैं। जिस मीडियम के थ्रू हम इसको करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो पहला हो गया आपका रिएक्शन जिसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब इसको थर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हीट की वजह से हो रही है, आप रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट रहा है। सेकेंड टाइप है यहाँ पर फोटोलिसिस, फोटो का मतलब यहाँ पर होता है फोटोन्स, फोटोन्स मीन सनलाइट, फोटोन्स को हम जनरली एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ द सनलाइट। तो फोटोलिसिस में क्या होता है, जो डीकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का वो लाइट की वजह से होता है। तो सेकेंड टाइप में आता है आपका फोटोलिसिस आ सकता है, इसको हम और भी बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन बाय लाइट। लास्ट टाइप जो है यहाँ पर है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, हम क्या करते हैं अपने रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। सपोज आपके पास वाटर है और अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो वी कैन क्लासिफाई द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू थ्री मेजर कैटेगरी। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन विच इज ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजिशन बाय हीट। सेकेंड वन इज द फोटोलिसिस विच इज ऑल्सो नोन एज द डीकम्पोजिशन बाय लाइट। द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस विच इज ऑल्सो नोन एज द डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड वन बाय वन टू डिस्कस ऑल दीज थ्री टाइप्स। वेल बिफोर स्टार्टिंग द डीकम्पोजिशन बाय हीट आई वुड लाइक टू शो यू एन एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो। So you can see in this spoon we have sugar and when we start to burn these sugar particles we can see the change. What kind of change is this? The sugar particles are get converted into brownish blackish color and you can see that there are bubbles also. These bubbles are just cause of fuel that water are evaporating. So what is happening here? What is happening in this change? Here we can see that we have sugar. What is the formula of sugar? The formula of sugar is C12H22O11. When we give heat to this sugar, it get converted into carbon because its one of the constituent particle is carbon. As you can see the formula of sugar, it has 12 atoms of the carbon, 22 atoms of hydrogen, 11 atoms of oxygen. When you start हीटिंग इट, ये जो आपका ट्राइंगल है ये हम हीट के लिए साइन के लिए लगाते हैं, आप चाहें तो ये ट्राइंगल लगा सकते हैं या फिर आप हीट लिख सकते हैं। इट शोज कि यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन हो रहा है वो हीट के थ्रू हो रहा है। तो क्या हुआ, जो ब्लैक कलर के चारकोल में आपका चेंज हुआ था शुगर, वो इसलिए हुआ था कि शुगर के जो कार्बन पार्टिकल थे वो अलग हो गए थे
और जो वाटर, जो आपके वाटर के पार्टिकल आ रहे थे, जो इवेपोरेट हो रहा था वो वाटर था, तो यहाँ पर आपका जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो कार्बन और वाटर में हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट था जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया, और किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, वेयर द डिकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हीट। वी हैव मोर एग्जांपल्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हीट, लेट्स हैव अ लुक। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं जनरली, ये नाम भी आपको याद रखना है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम और सी कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और वाटर में टूटता है। तो यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में हम चूना और अंग्रेजी में लाइम बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो लिबरेटिंग दी नॉट वॉटर, सो सॉरी फॉर दिस, इट इज एक्चुअली लिबरेटिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर रहा है, बिकॉज अपवर्ड एरो इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। वी हैव मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट जो जनरली व्हाइट पाउडर होता है, राइट? लेड नाइट्रेट जनरली व्हाइट पाउडर होता है, लैब में जाओगे तो आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह मिलेगा। जब हम इसको हीट करते हैं तब ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ ये दो गैस निकालता है, एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके फोर मोल्स निकालता है, और एक होती है ऑक्सीजन। तो जब भी हम टेस्ट ट्यूब में लेकर लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब रेडिश ब्राउन हो जाती है, उससे गैस निकल रहा होता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपकी ब्राउन कलर की गैस होती है। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि एक रिएक्टेंट है वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। सो वी कैन से दैट द थर्मल डीकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ हीट। सो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द थर्मल डीकम्पोजिशन। वी हैव मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, द अनदर एग्जाम्पल इज आयरन सल्फेट, राइट? इट इज एक्चुअली ग्रीन कलर क्रिस्टल। ये किस कलर के क्रिस्टल होते हैं, दे आर ग्रीन कलर क्रिस्टल। वेन वी स्टार्ट हीटिंग दिस, यहाँ पर रिएक्टेंट एक है, आप देखिए हर जगह रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, प्रोडक्ट आपके मोर देन टू हो रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड में टूटता है, साथ में यहाँ से दो गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन यू हीटेड लेड नाइट्रेट, व्हिच कलर ऑफ गैस लिबरेटेड इन सच रिएक्शन एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और जो ब्राउन गैस होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। ऐसे ही पूछा जाता है कि जब ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती है, किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। तो बेटा आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये दो रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू दी अनदर काइंड ऑफ chemical reaction of decomposition reaction which is done by the light. I'll start with the example of, so you can see here they are given you silver chloride. ये जो white white color का आपको दिख रहा है ये actually silver chloride है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हमने एक ring रख दी है जिससे कि जिस जगह पर ये ring रखी है उतना portion cover हो जाए। अब इस पे हम light को focus करेंगे और फिर देखेंगे कि लाइट के पड़ने से इस पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए आपने देखा कि जो कवर एरिया है वो तो व्हाइट ही है और जो अनकवर्ड एरिया है वो ब्लैक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सिल्वर क्लोराइड पर जब लाइट पड़ा तो वो डीकम्पोज हो गया। जब सिल्वर क्लोराइड पर लाइट पड़ा, जो सिल्वर क्लोराइड पहले व्हाइट कलर का था, कैसा कलर का था आपका, व्हाइट कलर का पाउडर था, इट्स अ व्हाइट कलर पाउडर। और जब इस पर लाइट पड़ा, क्या पड़ा आपका, सनलाइट या फिर कोई भी लाइट पड़ा, तो बेटा ये डिकम्पोज हो गया।
ये सिल्वर में और इस सिल्वर में टूट गया और इसमें से क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, इसलिए जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो सिल्वर को तोड़ दिया और सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डीकम्पोजिशन बाय लाइट। तो जिस एरिया को हमने रिंग से कवर किया था वो एज इट इज सिल्वर क्लोराइड ही रहा। तो हम देख सकते हैं कि लाइट की वजह से यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट था, आपका जो कंपाउंड था, वो ब्रेक डाउन हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। इसलिए जब भी सिल्वर क्लोराइड आपको रखना है सेव करके, तो उसको डार्क बोटल्स में ही रखा जाता है, जिससे कि ये आपका डीकम्पोज ना हो जाए। डीकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है, टूटना होता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, ये भी लाइट की प्रेजेंस में आएगा, तो बेटा ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये सिल्वर में टूट जाएगा और साथ में ब्रोमीन गैस को लिबरेट करेगा। अपवर्ड एरो गैस के लिए है, दोनों ही केस में व्हाइट से ये ग्रे हो जाएंगे। दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, वहां पर इस तरह की रिएक्शन का यूज किया जाता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पर इसका यूज होता था। यू कैन से कि दिस द सच काइंड ऑफ रिएक्शन, द फोटोलिसिस रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। लेट्स मूव टू द अनदर काइंड ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। वेल, क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक्स, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। यहाँ पर कैथोड है, वो नेगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका एनोड है पॉजिटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे मोल्टन NaCl एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया गया है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो NaCl है, एक्चुअली हीट नहीं करते हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो जो NaCl है ये क्या हो जाता है, ये आपका टूट जाता है Na पॉजिटिव आयंस में और Cl टूट जाता है Cl नेगेटिव आयंस में। उसके बाद ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे फ्यूज होकर ही हमको एस सोडियम मिलता है। और एनोड पे जो क्लोराइड आयन है, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर क्लोराइड आयन जाते हैं और यहाँ पे क्लोराइड आयन मिलकर क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ पे लिबरेट होते हैं। तो दिस इज द डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मोल्टन NaCl, दिस इज एक्चुअली मोल्टन पिघला हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये भी पूछा जाता है कि हमको सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलता है, कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है तो ये हमको कैथोड पे मिलेगा, कैथोड पर जो हमको प्रोडक्ट मिला वो सोडियम है, और जो हमको एनोड पर प्रोडक्ट मिला वो क्लोरीन है। इसी तरह से हम वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। अगर वाटर को हम देखें तो H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो H आयन और OH आयन में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे H आयन जाता है कहाँ पर, आपके कैथोड पर, और H2 गैस लिबरेट होती है। इस तरह से OH नेगेटिव का यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमको कहाँ मिलता है, वो हमको मिलता है एनोड पर। तो जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डीकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड, राइट। तो दिस इज जस्ट हैपनिंग इन साइड द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑफ द वॉटर। So, this is the examples and types of the decomposition reaction. Again, I am going to point to be remember. यहाँ पर decomposition reaction क्या है? When the reaction in which a substance decomposes into two or more product is called the decomposition reaction. These are three types: thermal decomposition and decomposition by light, which is known as photolysis, and decomposition by electricity, which is known as the electrolysis. Hopefully, this one is clear to you.